सर अपना थोड़ा 10th क्लास और 12th क्लास और अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज थोड़ा हमें बताएं, और RRB NTPC का आपका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपने तैयारी की, फिर यहाँ तक आने का सफ़र के बारे में आप बताएं। जी सर, मैंने 10th जो है अपना यूपी बोर्ड से किया हुआ है, और मैं 10th में हॉनेस्टली बोलूँगा मैं एक एवरेज बच्चा था। मेरे 66% मार्क्स थे, बस मैंने 12th में बहुत मेहनत किया और मेरे 79% मार्क्स आए। और फिर मैंने फर्दर बीटेक किया, बीटेक में मेरे 70% मार्क्स थे। मैंने एक नॉमी कॉलेज, रामस्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ का है, वहाँ से बीटेक किया हुआ है। और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि मैं टेक्नीशियन की जॉब कर रहा था, जॉब सेटिस्फेक्शन था नहीं मेरे अंदर, तो मेरे अंदर ये भूख थी कि मुझे जॉब को स्विच करना है और मुझे दूसरी जॉब लेनी है। NTPC के फॉर्म मैंने 2019 में फिल किए हुए थे और मैंने जॉब के दौरान ही तैयारियां शुरू की। तो सर इसमें थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूँगा, जो RRB NTPC होता है इसमें अलग अलग लेवल अब बना दिए गए हैं कि आप ग्रेजुएट हैं तो लेवल 5 और 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप 12th पास हैं तो लेवल 2, 3, 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में और बच्चों को जानकारी दे दीजिए कि वो कौन सी लेवल के बारे में पहले अप्लाई करें, 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले सेपरेट। जी सर जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जैसे जो 2019 में RRB NTPC के नोटिफिकेशंस आए हुए थे, पहली बार रेलवे ने उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया था। बदलाव ये था कि रेलवे ने हर ग्रेड पे की जॉब को अलग अलग कर दिया, तो उसमें उन्होंने 5 कैटेगरीज में पोस्टें निकाली थी, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। सो लेवल 4 की पोस्ट तो बहुत कम थी, बट 2, 3, 5 और 6 की ऑलमोस्ट हर जगह थी। तो जो लेवल 2 और 3 की पोस्टें थी वो आपके +2 के बेसिस पे हैं, यानी अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तब भी आप 2 और 3 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेवल 5 और 6 जो था वो ग्रेजुएशन लेवल पे था। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप सारी पोस्टों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर में, कि आप पहले नंबर पर कौन सी पोस्ट रखना चाह रहे हैं, लेवल 6 की या लेवल 5 की। सपोज आपने लेवल 6 चूज़ किया तो लेवल 6 में 2 पोस्टें थी, एक कॉमर्शियल अप्रेंटिस की थी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में 4200 ग्रेड पे की, और दूसरा स्टेशन मास्टर की थी 4200 ग्रेड पे की। तो वहाँ भी आप प्रियोरिटी सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप दोनों में से कौन सी पोस्ट सेलेक्ट करोगे। उसके बाद लेवल 5 में जो पोस्टें थी वहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की थी और SRCTC की थी, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क की। और दूसरी जो पोस्टें थी 2800 में वो जू JA की थी, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की थी, सीनियर सीनियर टाइपिस्ट की थी। CCTC, जी सीनियर CCTC, सीनियर CCTC की थी। तो ये सारी पोस्टें वहाँ पे थी और इन सबका ग्रेड पे 2800 था। लेवल 3 में जो पोस्टें थी वो जूनियर TC की थी, जिसे आप टिकट कलेक्टर बोलते हो, और जो 1900 की पोस्टें थी बाकी लेवल 2 की, वो मोस्टली जो पोस्टें थी वो कलर की थी, जो बेसिकली इनका काम टाइपिंग का होता है। जूनियर क्लर्क एंड अकाउंट्स क्लर्क, जी सर। और उसमें एक ट्रेन कलर की भी पोस्ट थी, ट्रेन क्लर्क TNC, जो जो कि पोस्ट में उसमें टाइपिंग रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो एक चीज़ आप लोग ये नोटिस करिएगा कि NTPC में जहाँ भी टाइपिंग रिक्वायरमेंट है टाइपिंग की, उसकी कटअप सर काफ़ी कम रहती है कंपेयर टू अदर पोस्ट, अदर पोस्ट जहाँ पे टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए आप लोगों के पास अच्छा टाइम रहेगा, आप टाइपिंग आराम से क्लियर कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, और थोड़ा आप टाइपिंग करते रहिएगा। तो जब आप फॉर्म फिल कर देंगे आपका प्री होगा, प्री की ये अलग अलग कट ऑफ निकालेंगे। अलग अलग कट ऑफ निकालने का मतलब कि आप लेवल 6 की पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो, आप लेवल 5 की पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो, आप 3 के लिए हो, आप 2 के लिए हो। याद रखना कि आपको सारे की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी अलग अलग। तो और ये देखा गया है कि जो ऊपर की पोस्टें हैं लेवल 6 की, उनकी कट ऑफ ज़्यादा रहते हैं और फिर धीरे धीरे कट ऑफ कम होते जाएंगे। फिर मेंस का पेपर भी सबका अलग अलग होगा। जैसे मैंने मेंस दिया तो मेरा जो है सारे से क्लियर था, तो मैंने सबका मेंस अलग अलग दिया। मैंने लेवल 2 का मेंस स्किप कर दिया था क्योंकि मेरा मन नहीं था देने का। मैं जैसे कि आपको बताया मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था, लेवल 2 मैंने स्किप कर दिया, बट बाकी मैंने 3 मेंस दिए हुए थे, 5, 6 के लिए और 3 के लिए। जी सर, 5, 6 और 3 का मैंने मेंस दिया था। लेवल 6 में साइको होना था और स्टेशन मास्टर की पोस्ट मुझे पसंद थी नहीं, हॉनेस्टली बताऊँ, क्योंकि मैं सिग्नल में नौकरी कर रहा था, मेरा स्टेशन मास्टर साथ उठना बैठना था, मुझे पता था, इसलिए जो है मैंने लेवल 6 की DB स्किप कर दी। और लेवल 5 के लिए मुझे गुड्स गार्ड पहली प्रियोरिटी थी और मुझे ये मिल गई। तो सर हमें थोड़ा आप ये बताएं कि जो प्री एग्ज़ाम हुआ उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं और उसकी तैयारी कैसे करें, फिर CVT 2 में कौन कौन से कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आते हैं, उसकी तैयारी कैसे करें, बुक्स बुक्स अगर कोई स्पेशल बुक्स हैं तो उनके बारे में थोड़ा बताएं। जी, तो
जैसा सर ने पूछा, जो आपका CBT 1 होता है बेसिकली रेलवे में, यहाँ पे आपका एक पोर्शन रीजनिंग का रहेगा, एक पोर्शन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा जिसे मैथ्स आप बोलते हो, और दूसरा पोर्शन आपका GA का रहेगा, जनरल अवेयरनेस का। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है रेलवे में, आपकी स्पीड मैटर करती है कि आपका जो ये रीजनिंग और क्वांट का पोर्शन है यानी मैथ्स का, ये आप खूब अच्छे से करो, यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर गेन करो। क्योंकि जो ये GA का पोर्शन होता है, जनरल अवेयरनेस का, यहाँ कुछ पता नहीं होता रेलवे कहाँ से क्या पूछ ले, और ये बहुत महासागर है, यहाँ पे आप श्योर नहीं हो सकते कि आप यहाँ से इतना कर सकते हो, बट आपका जो FT और रीजनिंग का पोर्शन, यहाँ से आप श्योर कर सकते हो कि आप इतने मार्क्स इसमें गेन कर लोगे। तो उस टाइम पे 35 मार्क्स की मैथ्स थी आई थिंक, और 35 का रीजनिंग था, और 30 मार्क्स का आपका GS था CBT 1 में। तो वहाँ पे मेरे 84 मार्क्स के आसपास आए थे, RRB इलाहाबाद से मैंने फॉर्म फिल किया हुआ था। तो सबसे पहले आपको जो तैयारी करनी है, आप YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं मैथ्स के, आपको मैं कुछ चैनल रिकमेंड भी कर सकता हूँ, और उसके बाद में आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे सस्ता ऑप्शन है, आप टेक्स्ट बुक का ऐप इंस्टॉल कर लो फ़ोन में, और बहुत सस्ते उसके है, 300-400 का उसका ईयरली पास आता है, उसे आप ले लो प्रैक्टिस सेट के लिए। जी, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन होना है, इसलिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस ही करनी है, और वहाँ पे आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा डालो टेक्स्ट बुक पर, और उनके चैप्टर वाइज जितने भी हर टॉपिक, जैसे आपने आज मैथ्स में सपोज करो आज LCM SCF पढ़ा, तो उसे आप टेक्स्ट बुक पर जाओ RRB NTPC के कोर्स में, और वहाँ पे आप जो है उसकी उसके मॉक दो, वहाँ से आपकी धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी, आप वहीं से दोनों तैयारी करें। GS के लिए आप घटना चक्र का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, एनुअल आती है, करंट आप जो है एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले ही पढ़ना शुरू करिएगा, बहुत पहले करंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लूसेंट की जो आपकी पतली वाली किताब है, यही इनफ है, आपको बहुत ज़्यादा सोर्स की फॉलो करने के लिए नहीं कहूँगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप IAS तैयारी नहीं कर रहे हैं, कितना डीप GS पढ़ें, आप ये लूसेंट वाली किताब बार बार पढ़ें कि आपको जितना पढ़ें उतना याद हो जाए। बाकी अगर आपको ऑनलाइन दिक्कत हो रही, आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो आप किरण पब्लिकेशन की NTPC की किताब ले सकते हैं। तो अभी के लिए जैसे पहले रेलवे क्या था, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें आती थी, लेकिन पिछली बार 2019 के NTPC का जो था, आपको मैं लिटरली बताना चाहूँगा, मेरे साथ के बंदे जिनका CGL में सिलेक्शन हो गया 2021 वाले से, जो GST इंस्पेक्टर बन गए, उनसे लेवल 5 और लेवल 6 के पेपर नहीं क्लियर हुए थे, क्योंकि वाकई पेपर बहुत हार्ड था। और पिछली बार जो सबसे खास बात रही NTPC में मेंस में, इन्होंने हर लेवल का पेपर एक ही शिफ्ट में किया, यानी लेवल 6 के जितने बच्चे हैं सबका पेपर एक साथ हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन का खेल खत्म हो गया, किसी को ये कहने का मौका नहीं मिला कि मेरी शिफ्ट आसान थी, मेरी शिफ्ट हार्ड थी, सर सबको एक ही शिफ्ट रेलवे ने फेस कराई। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, और मुझे एक टीचर याद आ रहे हैं जिनसे मैंने मैथ्स जब शुरू की तो पढ़ा था, वो अड्डा 247 भी पढ़ाते हैं, उनका नाम था सुमित वर्मा, बहुत बेहतरीन टीचर हैं, आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं मैथ्स के लिए। और रेलवे की जो रीजनिंग आती है, आप रीजनिंग रेलवे की प्रैक्टिस करने के लिए आप राकेश यादव की बुक आती है रीजनिंग की, आप उसे ही रीच कर सकते हैं, इन दोनों को आप लगाएं, और बाकी जितना पढ़ें आप टेक्स्ट बुक पर डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहें। और GS के लिए मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आप लोग यूथ पब्लिकेशन की आती है GS रेलवे की, आप वो चैप्टर वाइज बुक है, काफ़ी अच्छी है, आप वहाँ से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मैं अगेन बोलना चाहूँगा GS के लिए कि आप एक बार लूसेंट पढ़ी हो तब पहले से, अगर आप बिगनर हैं, आप शुरू किए हुए, तो आप लूसेंट पढ़ें फिर। और सर CBT 2 एग्ज़ाम जो होता है उसमें थोड़ी सी हार्डनेस बढ़ जाती है, बुक्स तो यही रहेंगी सेम टू सेम। जी, जैसे सर ने कहा CBT 2 में बिल्कुल हार्डनेस बढ़ जाती है, क्योंकि आपका टाइम वही रहता है 90 मिनट्स, और वहाँ पे 100 क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन फेस करने हैं, और 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन फेस करने हैं, तो अच्छी खासी स्पीड चाहिए होती है, और वहाँ पे आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता। तो अभी आप लोग तैयारी करें, जब आप लोगों का एग्ज़ाम की डेट आएगी तब मैं एक बार सर के साथ फिर से लाइव आऊँगा, और आपको बताऊँगा कि आपको पेपर को कैसे हैंडल करना है। और अभी आप लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपके पास टाइम है, खूब अच्छी तैयारी करें। और जैसे कि मैंने बताया, मैं जो जितनी बातें बता रहा हूँ रेलवे का, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने RRB JEE भी क्लियर किया था, मेरा प्री क्लियर हुआ था, बट मेंस मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल की तैयारी करने लगा था, और उसके अतिरिक्त मैंने UP 3 की जो PT का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें मैंने 99.99% तीन बार स्कोर किया, और मेरा लेखपाल 2021 भी फाइनल सेलेक्टेड हूँ मैं, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया।